आज का इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप आधार कार्ड का फॉर्म डाउनलोड कैसे करेंगे। अगर आप अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवा रहे हैं, अगर 0 से 5 साल तक है तो उसका फॉर्म अलग आता है, अगर 5 साल से 18 साल तक का है तो उसका फॉर्म अलग आता है, अगर कुछ अपडेट करा रहे हैं, करेक्शन करा रहे हैं कुछ बड़े आदमी का, उसका फॉर्म अलग आता है। तब मैं आपको बताऊँ कि आधार कार्ड के लिए फॉर्म आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे। तो आपके मोबाइल में जो भी ब्राउजर है उसे ओपन करना है, और उसको ओपन करने के बाद जो सर्च बार आता है उसमें यहाँ पर टाइप करना है UIDAI, ये टाइप करके आपको सर्च करना है। और जैसे ही सर्च करेंगे और नीचे में UIDAI यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, और उसका वेबसाइट यहाँ पे है, यह आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर क्लिक करके ओपन करना है। ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से, और जैसे लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे अगर एड आता है तो इस पर यहाँ से कट कर दें। उसके बाद आपको सामने इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ देखें गेट आधार, यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, आधार कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं, आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, PVC कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, अगर ऑर्डर किए तो उसका स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद नीचे है अपडेट आधार, यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट आधार और इनरोलमेंट है, यहाँ पर आधार कार्ड का स्टेटस देख सकते हैं। और ये जो ऑप्शन है अपडेट डेमोग्राफिक डाटा एंड चेक स्टेटस, यहाँ से आप ऑनलाइन सब कुछ अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आधार हिस्ट्री देख सकते हैं। अब आधार सर्विस में क्या कर सकते हैं, आधार नंबर वेरीफाई कर सकते हैं, मोबाइल नंबर ईमेल ID वेरीफाई कर सकते हैं, और यहाँ से वर्चुअल ID जनरेट कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए EKYC है, और यहाँ पर देखिए आप अपने आधार कार्ड का बायोमेट्रिक को लॉक अनलॉक यहाँ से कर सकते हैं। अब आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर में यहाँ पे देखिए 3 लाइन है, ये जो 3 लाइन है इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सा ऑप्शन दिखाई देगा इस तरह से। फर्स्ट में ऑप्शन है माय आधार, अब क्या करना है माय आधार वाले पे क्लिक करना है, और फिर से यहाँ पे देखेंगे बहुत सा ऑप्शन यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा, आपको सीधे नीचे लास्ट में चले आना है डाउनलोड वाले, और आपको डाउनलोड वाले पे क्लिक करना है। डाउनलोड वाले पे जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे देखें बहुत सा फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ बच्चे वाले फॉर्म, और ये सभी फॉर्म में आपको बताऊँगा क्या चीज़ है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा अगर आपका बच्चा 0 से 5 साल तक का है और उसका आपको नया आधार कार्ड बनवाना है या अपडेट कराना है, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं 0 to 5 एज ग्रुप, और ये वाला पे आप क्लिक करेंगे, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म 0 से 5 साल तक के लिए फॉर्म यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। और चलिए मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है एज ग्रुप में 0 से 5, यानी आपका बच्चा 5 साल से नीचे है उसका आधार कार्ड बनवा रहे हैं, तो ये फॉर्म आप डाउनलोड करके भर के आप आधार सेंटर जाके जमा कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे 5 साल से 18 साल के एज ग्रुप में हैं तो ये वाला पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपका डाउनलोड होने लगेगा, डाउनलोड होने के बाद जब ओपन होगा तो यहाँ पे देखिए एज ग्रुप में 5 से 18 साल तक दिया हुआ है। अगर आपका बच्चा 5 साल से 18 साल के बीच में है तो ये फॉर्म डाउनलोड करके भर के आप आधार कार्ड नया बनवा सकते हैं। अगर आप NRI है, फॉरेनर है, फॉरेनर रेसिडेंट है, तो ये वाला पे क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब ये फॉर्म को आपको क्या करना है, भर के आधार कार्ड आप अपडेट या फिर करेक्शन करवा सकते हैं, ये फॉरेनर के लिए है। और अगर आप एड्रेस चेंज करवा रहे हैं या खुद से या फिर आधार सेंटर से, तो ये वाला पे आपको क्लिक करना है, और इसमें जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से फॉर्म आएगा, नीचे आपको स्लाइड करना है। मैं आपको बताता हूँ कौन सा फॉर्म है, और एक यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये हेड ऑफ फैमिली मेंबर के लिए है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है इसे भर के आप ऑनलाइन भी एड्रेस बिना डॉक्यूमेंट का एड्रेस चेंज करवा सकते हैं। और ये जो फॉर्म देख रहे हैं ये आप मुखिया से साइन करवा के या गजेटेड ऑफिसर या कोई डॉक्टर से साइन करवा के और आप एड्रेस चेंज करवा सकते हैं। तो किस तरह से भरना है नीचे भी यहाँ पर सैंपल में दिया हुआ है, कहाँ नाम लिखना है, कहाँ पर एड्रेस लिखना है, किस तरह से आपको एक फ़ोटो चिपकाना है, कहाँ पर साइन करवाना है, अगर मुखिया से साइन करवा रहे हैं तो कहाँ पर कराना है, कहाँ पर काम लगाना है, यहाँ कहाँ पर क्या चीज़ टिक लगाना है, इस तरह से आप यहाँ पर देख के सीख के जान सकते हैं।